दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। और क्यों अमीर लोग एक बिजनेस से कई बिजनेस क्रिएट करते हैं और गरीब लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। और बात करें टाइम की, तो अमीरों के पास बहुत सारा टाइम होता है किताबें पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, उनके पास हमेशा टाइम होता है। और बात करें गरीबों की, तो गरीब तो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके पास ऐसी चीजों के लिए टाइम नहीं होता। तो दोस्तों, गरीब इतनी ज्यादा मेहनत करता है तो वो क्यों इतना अमीर नहीं बनता, बल्कि वो इतना खुश भी नहीं रहता जितने अमीर लोग खुश रहते हैं। जितने अमीर लोग सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, उतने गरीब लोग नहीं जी पाते। और सबसे बड़ी बात, अमीर लोग किसी ट्रैप में नहीं फंसे होते, जहाँ पर गरीब लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते। I go home and ask him, I said, why don't we learn about money in school? And he looked at me and says, because the government doesn't let us teach that subject. दोस्तों, हमें हमेशा से ही बताया जाता है कि हमें हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बदलना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। या काफी हद तक ये चीज सच है, लेकिन आजकल पढ़ते तो सभी है लेकिन सभी रिच नहीं बनते। अगर आप वो पढ़ते हो जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया जाता है जॉब करने के लिए, तो जॉब कर आप शायद कभी भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल नहीं सकते, क्योंकि जॉब की इनकम हमेशा फिक्स्ड होती है। हम कितना ही जी जान कर काम करें, हमारी कुछ परसेंट इनकम बढ़ जाती है या फिर हमारा अच्छी जगह पे प्रमोशन होता है। और इस कोड को आपने कहीं सुना होगा कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसी छोटी मोटी जॉब्स के ट्रैप में फंसे हो, तो साइड बाय साइड आप किसी छोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। और आपको सच में अमीर ही बनना है तो पहले आपको जानना होगा कि आप गरीब हो। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग खुद को मिडिल क्लास मानते हैं जबकि वो मिडिल क्लास नहीं है। अगर आप मंथली 1,00,000 रुपए कमाते हो और आप पर डिपेंड आपके फैमिली में 4 मेंबर्स है, तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते हो। तो अगर आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए महीना, तो हाउस होल्ड में कितने लोग हो गए जो आप पे डिपेंड है? 3 और लोग हो गए, मतलब टोटल 4 लोग हो गए। तो 4 से डिवाइड कर दो 1,00,000 को, तो कितनी आ गई? 25,000 रुपए महीना। तो आप मिडिल क्लास नहीं, आप लो इनकम ग्रुप में आते हो। तो पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले जानो कि आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप गरीब हो। और हम हमेशा खुद को मिडिल क्लास मानकर महंगी महंगी चीजें परचेस करते हैं, जबकि उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी हम उन चीजों को परचेस करते हैं। और शायद यही गरीबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुअर पीपल खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनने पे फोकस करते हैं, ना ही कि दूसरों को अमीरी दिखाने पे। वैसे दोस्तों, अमीर और गरीब फिजिकली और मेंटली दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उनकी सोच में। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहाँ पर गरीब लोग सोचते हैं कि कैसे मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है अच्छी सैलरी की, वही अमीर लोग ये सोचते हैं कैसे मैं दूसरों को अच्छी बड़ी जॉब दे सकता हूँ खुद का बड़ा बिजनेस क्रिएट करके। क्योंकि जितनी ज्यादा एम्प्लॉयर्स की सैलरी होगी, उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस का टर्नओवर होगा। और अमीर लोगों को शायद उनकी हैबिट्स ही और ज्यादा अमीर बनाती है। जहाँ अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, वही गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनको ऐसी चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और अमीर लोग अपने कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ना ही कि पार्टी और एंजॉयमेंट में उड़ा देते हैं। वही गरीब लोग मंथली पेमेंट आने पर कुछ न कुछ खरीदते हैं, उसे लाइबिलिटीज पर खर्च करते हैं। लाइबिलिटीज यानी ऐसी चीज है जो आपको पैसा कमा कर नहीं देती, जिन चीजों के लिए आपके वॉलेट में से मनी जाता है वापस नहीं आता। और अमीर लोग अपने पैसों को एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर गरीब लोग लाइबिलिटीज पर खर्च करते हैं। और एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है? तो एसेट्स यानी वो चीज जो आपको पैसा कमा कर देगी इन फ्यूचर, और लाइबिलिटीज यानी जिससे आप पैसा फ्यूचर में नहीं कमा सकते हैं, जैसे कार, घर, ये चीजें हमें पैसा कमा कर नहीं दे सकती। बट उन्हीं पैसों को आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हो, तो इन फ्यूचर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ से। और मेन गरीब लोगों की गरीब रहने की वजह है कि वो खुद को ज्यादा अपस्किल नहीं करते, खुद को अपडेट नहीं करते टाइम के साथ साथ, वो नई चीजों को नहीं सीखते। जबकि अमीर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके लिए
अलग से टाइम निकालते हैं और गरीब लोग फालतू चीजों के लिए टाइम निकालते हैं। उसी वजह से वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और इन फ्यूचर में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी इस गरीब के ट्रैप को नहीं तोड़ पाती, जिसकी मेन वजह है उनका एनवायरनमेंट, जहां हमें बचपन से ही पैसों से बहुत दूर रखा जाता है और हमें स्कूल और कॉलेजेस में भी पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, जबकि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर हमें पैसा ही कमाना है और आज की डेट में पैसे कमाने के कई सारे रास्ते मिल जाएंगे, बट हमें पता ही नहीं होता कि सही तरीके से कैसे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और भले हमें पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, बट हम खुद से काफी सारी पैसों के रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं किताबों के जरिए। तो आज की डेट में हमें पैसों के रिलेटेड बहुत सारी किताबें मिल जाती है ऑनलाइन, जिन्हें हम पढ़कर पैसों के रिलेटेड चीजें सीख सकते हैं। और कई लोगों की बहुत ज्यादा हर्ड मेंटेलिटी होती है, जिस वजह से वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। और हर्ड मेंटेलिटी यानी भेड़ चाल, यानी दूसरे जो कर रहे वो भी वही सेम करते है, कुछ हटकर कुछ नया नहीं करते, इस वजह से वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। और पैसों के रिलेटेड काफी अच्छी किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो इस बुक में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, क्रिएटिंग वेल्थ रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई है इस बुक में। ऐसी बहुत सारी पैसों रिलेटेड चीजें होती है जो हम असल जिंदगी से नहीं सीख पाते, जिसे हम ऐसी बुक्स पढ़कर सीख सकते हैं और पैसों के बारे में सीख सकते हैं। और दोस्तों, आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए वो तो मैं नहीं बता सकता, वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, बट जिस तेजी से आज यह दुनिया बदल रही है, हमें टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं रहते, नई चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसी वजह से कई सारे लोग बिजनेसेस में फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो आप लाइफ में जो भी कर रहे हो उसके रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी होगी, उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, तभी उस चीज में आप स्टेबल हो पाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप उस चीज में ज्यादा स्टेबल रह पाओगे और वो चीज लॉन्ग टर्म तक टिकेगी। और आप छोटे मोटे जॉब के रट रेस में फंस जाते हो तो शायद आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं चेंज कर पाओगे। और आज इंटरनेट थ्रू हमें नई चीजें सीखना जानना बहुत ज्यादा आसान हो गया है, हम फ्री में कुछ भी चीजें सीख सकते हैं, जान सकते हैं घर बैठे। इवन हमें किताबें तक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाती है, बहुत सारी किताबें ऐसी मिल जाती है पीडीएफ के फॉर्म में, जिन्हें हम पढ़कर खुद को ज्यादा अपस्केल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम गरीब लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते और वो छोटी मोटी नौकरी के रट रेस में फंसे होते हैं, जहाँ पर उन्हें पैसों के बारे में भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम पैसों के बिना सॉल्व नहीं होती। और वो चाहे कितना भी काम कर ले, वो ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बंद दिमाग की तरह सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। जहाँ अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं कि वो बहुत कम मेहनत करते हैं, जहाँ पर वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस करते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि मेहनत तो सभी करते हैं, बट हमें जिंदगी में राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, हम छोटी मोटी चीजों में अटक जाते हैं, छोटे मोटे ट्रैप्स में अटक जाते हैं। इवन सोशल मीडिया भी हमें बहुत ज्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सोशल मीडिया का एंटरटेनमेंट रिड्यूस करके हम सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेटिव चीजें देख सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट खत्म, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और या मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।